जिस समय हमारे अंदर कोई बुराई आए तो हमें उस समय अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक से दूर रखना चाहिए, हमारी बुराई दूसरों में न फैले। हमसे कभी ऐसा हो गया है तो हमें भीतर ही भीतर, और यदि हमारी वजह से कभी किसी के जीवन में कोई ईर्ष्या बढ़ी है, क्रोध बढ़ा है, या हमारी वजह से गुरु में अश्रद्धा हुई है, तो फिर उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमारी बुद्धि ऐसी थी, और इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धि हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, है? और जब कभी किसी के प्रति मन में कोई विकार आए तो उसी व्यक्ति से कहे, सामने न हो तो अपने घर में फोटो लगा के कहे, चाहे वो गुरु ही क्यों न हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे कोई हो, उसके फोटो से ही कहे कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम हल्के हो जाओगे, फिर जब हल्के हो जाओगे ना, फिर तुम्हें लगेगा कि चलो मैंने कुछ गलत कह दिया था, वैसे तुम भी इतने बुरे नहीं हो। फिर ऐसा लगने लगेगा कि वो तो मेरी बुद्धि थोड़ा सा, फिर जब तुम मैच्योर हो जाओगे ना, समझदार हो जाओगे, तो तुम्हें लगने लगेगा कि ये कहाँ से आया था वायरस, ये वायरस कहाँ से आया था, ये गंदगी कहाँ से आई थी। तो सारे अपराध भगवान क्षमा कर देता है, पर एक अपराध भगवान क्षमा नहीं करता। बोले क्या? किसी की श्रद्धा को तोड़ना, किसी के विश्वास को तोड़ना, किसी के प्रेम को तोड़ना, इस अपराध को भगवान क्षमा नहीं करता। इसलिए हमसे कभी ये अपराध बने तो बार बार क्षमा मांगते रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमसे ये गलती होगी नहीं, ये गलती होगी और बार बार होगी, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम इंसान ही तो हैं, हम मनुष्य ही तो हैं। बुद्धि बदलेगी, अदलेगी, बदलेगी, गलती होगी, लेकिन बस गलती को गलती समझ में आने लगेगी ना। जैसे कोई चोटा हो और तुम्हारी समझ में आ जाए कि ये चोटा है, तो वह चोटा मारवे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वह चोटा समझ में आ जाएगा जिमो जाने वो, अब जो बताओ मरेगो कि नहीं मरेगो, अरे बोलो तो सही, वो अपने आप मर जाओ भाई, मारवे की जरूरत नहीं है। इसलिए जब तुम मैच्योर है जाओगे ना, जब समझ में आने लगेगा कि ये बुराई है और इस व्यक्ति से हमें ये वायरस आता है, तो फिर दिक्कत ज्यादा आने वाली नहीं है, हैं?